जेजवाना शहर में अवैध निर्माण करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद है कि नगर परिषद की कार्रवाई के बावजूद भी शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि विगत 2 माह पूर्व नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों पर चल रहे अवैध निर्माण कार्यों पर प्राथमिक तौर पर नोटिस चस्पा किए गए थे। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर सीज की कार्रवाई भी की गई थी। वहीं जो कार्य जिस समय नगर परिषद ने रुकवाकर नोटिस चश्मा किए थे, उस समय वह कार्य 50% से अधिक पूर्ण हो चुके थे, लेकिन अगर अब बात करें तो वह कार्य 90% तक पूरे हो चुके हैं। वहीं इस मामले को लेकर नगर परिषद अधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में ले लिया है, जिसको लेकर ठोस कार्रवाई की जाएगी। देखो, उसको हमने संज्ञान में ले लिया है। हमने एक दोबारा से एक टीम भेज के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है, और हम अभी 1 महीने का इसमें अपील का समय होता है, वो डायरेक्टर लोकल बॉडीज में अपील कर सकते हैं। अब वो समय चला गया है, उसके बाद में हम सक्षम न्यायालय में बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और उसके पश्चात उन पर जो भी फौजदारी मुकदमा भी जो बनता है, अगर सीजिंग कार्रवाई के पश्चात भी वो कार्य किया है तो वो कार्रवाई की जाएगी।